So hey guys, this is cyberishi back here with the new video, and in this particular video we're gonna learn about how to use windows for scanning network. So basically hum is video ke andar kya karne wale hain main aapko thoda sa pehle hi bata deta hu. Hum is video ke andar arp command ka use karenge aur dekhenge ki kaun kaun se networks hamare pc ke andar aate hain. To karna, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो पहला स्टेप हमारा आ जाता है, हम सीधे खोलेंगे सीएमडी, क्योंकि हम सारा काम सीएमडी के अंदर करेंगे. तो सीएमडी ये हमने खोल लिया और मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में थोड़ा आसानी हो. तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, कोई फाइल वाइल कुछ एडिट वेडिट करके नहीं होता. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाके हम इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर देंगे. मैं 24 कर देता हूँ और 24 काफ़ी ठीक है. सो सबसे पहली कमांड हम यहाँ पे चलाएंगे, हमारा आईपी चेक करते हैं हम लोग, हमारी आईपी कितनी है. अभी मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है मेरे मोबाइल हॉटस्पॉट से, तो अभी देखते हैं हमारी आईपी क्या है. हम डालेंगे आईपी कॉन्फ़िग. ये कमांड से हमने हमारी ये रहा हमारा वायरलेस लैन अडैप्टर की आईपी यहाँ पे हमें मिल गई है. ये रही इसकी आईपी, ये रहा इसका IPv6 एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे इसने हमें सब बता दिया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ एयरटेल का इंटरनेट से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है. अब हम आ जाते हैं एआरपी के ऊपर. एआरपी की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. तो हम एक बार इसके अंदर एआरपी टाइप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या शो करेगा. तो यहाँ पे इसने काफ़ी सारे एआरपी के साथ लगने वाले कमांड्स दे दिए, हाइफन ए, हाइफन जी, हाइफन बी, जिनके अलग अलग यूजेस हैं, वो अभी हम एक दो करके देखेंगे. और एग्जांपल दे दिया उसने कि हमें कैसे यूज़ करना है, जैसे एआरपी हाइफन एस को कैसे यूज़ करना है. तो एक बार हम चेक करते हैं कि सबके यूजेस क्या हैं एक बार. सो ए बता रखा है डिस्प्ले करंट एआरपी एंट्रीज, ए से हम एआरपी एंट्रीज चेक कर पाएंगे. जी से हम कर सकते हैं सेम एस हाइफन ए, सेम है. और ये एस एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये बता रहा है एट द होस्ट एंड एसोसिएट द इंटरनेट एड्रेस, ठीक है. तो अब हम क्या करने वाले हैं, इनमें से कुछ कमांड चला के देखेंगे और मैक एड्रेस वो हमें इसका शो करा देगा. तो सबसे पहले हम डालते हैं ए आर पी और हाइफन के साथ उसने हमें दे रखा था यहाँ पे ए. सो हम डालेंगे यहाँ पे ए और देखते हैं हमें वो क्या शो करेगा. तो उसने हमें तीन एंट्रीज दी हैं यहाँ पे, इंटरफेस के साथ उसने हमें तीन पकड़ाई हैं. और उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा आईपी एड्रेस और ये रहा उसका मैक एड्रेस जो मेरे मोबाइल फ़ोन का इसके अंदर दिखा रहा है. और ये तीन इसने हमें यहाँ पे शो कर दिए. सो मैक एड्रेस के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मैक एड्रेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं. मैंने उसके अंदर अच्छे से बताया मैक एड्रेस क्या होता है, मैक स्पूफिंग क्या होता है. तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है. तो अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी कमांड पर. तो उसको चलाने के लिए हमें सीएमडी को एडमिन मोड में चलाना पड़ेगा. तो हम यहाँ डालते हैं सीएमडी और उसको कर देते हैं रन एस एडमिन, तब जाके वो कमांड वर्क करेगी. सो वापस से हम लोग डालते हैं इसके अंदर ए आर पी एंड ये वाला हम कमांड चलाएंगे इस बार ए आर पी हाइफन एस, एक ऐड करेंगे अपनी तरफ से मैनुअली हम लोग होस्ट ऐड करेंगे. सो हमें क्या करना है, ए आर पी डालना है, हाइफन एस डालना है, उसके बाद हम अपनी तरफ से एक होस्ट ऐड करने वाले हैं. सो एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी, तो हम एक काम करते हैं इसको ही यहाँ से उठा लेते हैं, क्यों इतना टाइप करें, कॉपी करते हैं यहाँ से इसको और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट और मारते हैं एक बार एंटर. सो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है. सो एक काम करेंगे, हम दोबारा से ए आर पी चलाएँगे और हाइफन ए देखेंगे, शो करेंगे कितने नेटवर्क ऐड हुए. सो ये रहा जो हमने यहाँ पे डाला था 157.55, ये रहा और ये उसका सेम का सेम एड्रेस. तो ऐसे हमने ये आप देख सकते हैं स्टैटिकली हमने इसको यहाँ पे डाला है, बाकी जो भी हमारा डायनेमिक है पहले से आया है, डिफ़ॉल्ट है. सो अगर आपको यहाँ पर अपना मैक एड्रेस देखना है तो उसके लिए कमांड होती है गेट मैक GET और MAC. तो यहाँ से हम लोग अपना मैक एड्रेस ऐसे करके भी देख सकते हैं. सो यहाँ से बता दिया फिज़िकल एड्रेस, ये रहा मीडिया कनेक्टेड. सो ये सारी कुछ कमांड्स थी जो आप याद रखें और अपने डे टू डे लाइफ में, मतलब अगर आप स्कैनिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, सो आप कर सकते हैं. और यही था आज की इस वीडियो में, यही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को. कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बस एक छोटा सा है एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कैसे क्या वर्क करता है उसके बारे में पूरी डिटेल आप ले सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बुक्स में भी लिखा हुआ है. सो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्या कि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले एआरपी ये सब जो भी मैंने सिखाया. सो जो भी अभी न्यू वीडियो आने वाली है इसके बाद, वो आएगी पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसके जितने भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे और ट्यूटोरियल्स देखेंगे हाउ टू यूज़ पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम. सो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म.